Hello friends, today we are going to discuss chapter number 2, linear equations in a variable, class 8th mathematics का second chapter आज मैं discuss करना है. बहुत simple सा chapter है और बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. पहली चीज तो बच्चों इसमें है linear equation, एक बात. दूसरी है one variable. हमारे लिए दो चीजें, तीन चीजें हैं यहाँ पे. linear क्या होता है, equation क्या होती है और one variable क्या. तो सबसे पहले चीज तो बच्चों वेरिएबल क्या हो. मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. सपोज एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसे ऐसी वैल्यूज मैथमेटिक्स में जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है या ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है उनको हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे मैंने लिखा एक्स, एक वेरिएबल है. अगर मैं लिख रहा हूं 5 तो ये x क्या है इसमें वेरिएबल और 5 क्या है कांस्टेंट. एक बात क्लियर हो गई. अगर मैं लिखता हूं 5 प्लस एक्स ओके तो ये 5 क्या है कांस्टेंट है क्या है वेरिएबल. माय डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हम एक तो पढ़ते हैं अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में हमारी जो वैल्यूज है वो फिक्स होती है लेकिन एलजेब्रा में हमारी वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं होती. हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं एलजेब्रा के अंदर और कॉन्स्टेंट्स के साथ डील करते हैं. ओके तो दिस हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिक्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. बात करते हैं इक्वेशंस की लेकिन इससे पहले एक चीज आपको और बताना बहुत जरूरी है. इक्वेशंस क्या होते हैं. Expressions, nothing. These are expressions. 5x, 2x plus 5, 3y, 4y plus. बच्चों यानी कि आप जब बहुत सारी टर्म्स को मैथमेटिक्स की टर्म्स को वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देते हैं साथ में उन पे ऑपरेशंस लगा देते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन से ही बनती है इक्वेशन. और क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन तो ये जितने भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इन सब में आप ध्यान से देखिए सिर्फ एक एक वेरिएबल मिलेगा. 5x में देखिए 2x प्लस 5 एक्सप्रेशन में देखिए सिर्फ इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है. तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं सिंगल यानी कि वन वेरिएबल वाले हैं. तो एक बात तो आपको क्लियर है कि वन वेरिएबल क्या है. एक दूसरी बात अब बात करूंगा इक्वेशन की. इफ आई एम राइटिंग डाउन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स 1 तो ये आपका क्या बन जाता है कि इक्वेशन बन क्योंकि इसमें x क्या है आपका x वेरिएबल है 2 क्या है 2 कांस्टेंट है 5 क्या है 5 भी कांस्टेंट. और ये जो इज इक्वल टू का सिंबल है इसको इक्वलिटी का सिंबल बोलते हैं. वन अगेन क्या है कांस्टेंट. तो इस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि अगर एक्सप्रेशन में आप इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे तो वही एक्सप्रेशन आपकी इक्वेशन बन जाएगा. इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं करना बच्चों. इक्वेशन का मतलब होता है कि कुछ पेयर दे रखे हैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के उनके साथ कोई ऑपरेशन है प्लस माइनस और उसके इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है. तो ऐसी किसी भी एक्सप्रेशन को जिसमें इक्वल टू का सिंबल दे रखा हो आप उसको इक्वेशन कह सकते हैं. अगर इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है कि एक्सप्रेशन क्या. एक और देखते हैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 3x plus y is equals minus 7 ये भी एक इक्वेशन है. x plus 1 is equals 2 y plus 3 is equals 1. 5y plus 2 is equals 0. अब आप एक बात ध्यान से देखिए इन तीनों में एक एक वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल है और जितने भी टर्म्स हैं इसके अंदर थ्री टर्म्स है 1, 2 एंड 3 तीनों टर्म्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1. तो बच्चों किसी भी इक्वेशन में ध्यान से सुनना किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन.
लीनियर इक्वेशन का मतलब है मैक्सिमम पावर वन, मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स फाइव, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक ही है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, तो इसको हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की सिर्फ एक हो, ठीक। और वन वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहां देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x plus y is equal 7, क्या ये अब एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स दोनों वेरिएबल के मैक्सिमम पावर वन वन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये वन वेरिएबल वाले नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, x, y, p, q, r, z कुछ भी हो हमें नहीं पता, उसको हम कह रहे हैं वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू फिक्स हो सबको सेवन, सेवन क्या है? कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन वो वन वेरिएबल में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, 5x माइनस 7 इज इक्वल्स, तो ये कैसी इक्वेशन है बच्चों? ध्यान से देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक ये रहा, क्या और कोई वेरिएबल है? नहीं। तो इस इक्वेशन में कैसे कितने वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल। ओके, साथ में इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है? वन। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है और इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है बच्चों, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन प्ले करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपके चैप्टर का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 इज इक्वल्स 7, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? और सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन में दो साइड होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो बोलते हैं राइट हैंड साइड, बोलते हैं लेफ्ट हैंड। जो साइड आपके इक्वालिटी सिंबल के यानी कि आपके राइट हैंड की तरफ है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? x माइनस, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू राइट डाउन LHS आर। लेकिन आने वाली एक्सरसाइजेस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन आएगा, तब आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उसको सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, स्टेटमेंट है x माइनस 2 इज इक्वल्स, अब x इधर के माइनस का 2 है तो इधर जाके x प्लस का 2 हो जाए, या अदर अगर मान लीजिए इधर x 2 जो है वो प्लस का होता तो उधर जाके माइनस का हो जाता। तो अब वैल्यू क्या आई, यानी कि अगर x की वैल्यू 9 हो तो ही ये इक्वेशन फुलफिल होती है। देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई अगर करना है तो कैसे करेंगे, हालांकि आपको तो सिर्फ सॉल्व ही करके दिखाना है लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा रहा हूँ कि क्या। अब x की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 2 इक्वल्स कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, ये बात समझ गए आप? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 2? y plus 3 is equals 10. Now y is equals 10. This 3 is plus here. इधर जाके माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? What my idea? This is your chapter number 2, linear equations in one variable. Let's move on to some other questions with the statement on the screen. Okay, let's move on. Okay, students, let's move on. Have some fun with question number 3. Very, very easy. Statement is on your screen. 6 is equals z plus 2. थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये उल्टा है, लेकिन सर आपको इसको सीधा करके दिखा देते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 6, अब पहले हम 2 को इधर से इधर ला रहे थे, अब इधर ले आएंगे। This will minus 2 is equals
सीधी सी बात है भाई, अगर इक्वलिटी यानी कि बराबर के निशान के अगर चारों तरफ चीजें घूमेंगी, इधर प्लस की हैं इधर जाके माइनस की हो जाएंगी, इधर माइनस है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। सिंपल सी बात, नो बकवास। इसको आप कैसे करेंगे, फोर इज इक्वल्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू। यह एक तरीका और इसको करने का, आप सिंपल से स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज है, आपने चीजों को घुमा लिया बस, नथिंग एल्स। नाउ इट इज जेड इज इक्वल सिक्स माइनस टू, जेड इज इक्वल टू फोर। इतना आसान है ना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर। फोर इज वेरी इजी। नंबर फोर, थ्री बाय सेवन प्लस एक्स, स्टेटमेंट इज ऑन योर स्क्रीन, और तो सॉल्व कर देते हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ एक्स इक्वल्स सेवन बाय सेवनटीन बाय सेवन माइनस थ्री बाय सेवन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ एलसीएम लेंगे, बेटा एलसीएम क्यों लेना, इधर भी सेवन है इधर भी सेवन है, सेम कहानी है। एक्स इज इक्वल्स नीचे सेवन आ जाएगा, सेवनटीन में से अगर थ्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कॉस 14। अब कुछ बच्चे बच्चों यहीं रुक जाएंगे, लेकिन सेवन को 14 से कट कर दीजिए, एक्स की टू आ जाएगी, या हो गया मेरे बच्चे, सेवन टू जा तीन, इजी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन इज अ वेरी इजी स्टेटमेंट, कह रहा है सिक्स एक्स इक्वल्स ट्वेल्व। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कॉन्स्टेंट के साथ जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ जब कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करता है, तो पूरी की पूरी टर्म भी आपकी एक वेरिएबल बन जाती है। क्योंकि बच्चों एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, अब एक्स की वैल्यू अगर टू है तो सिक्स टू जा ट्वेल्व होगा, एक्स की वैल्यू वन है तो सिक्स इंटू सिक्स हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो एक्स को यहीं रखिए, इधर सिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ट्वेल्व है, एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से समझना, कोई भी चीज अगर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, कोई भी चीज अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड अगर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ गई, ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, t/5 इज इक्वल्स टू 10, के नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था ये 5 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आंसर आ गया। और वैसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आर पार गुना बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, टी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 10 के साथ, तो टी इज इक्वल्स 50, ऐसे भी समझ सकते, ओके। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, 2x 2x बाय 3 इक्वल्स 18 इज अगेन वेरी इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, cm स्टैंड्स फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 2x इज इक्वल्स 18 प्लस 3, 18 इनटू 3 सॉरी। नाउ दिस इज 2x इक्वल्स 18 3 इज 54, है ना, x इज इक्वल्स 54 बाय 2, आंसर कितना है बच्चों, 20। लेकिन इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2x बाय 3 इज इक्वल्स टू 18, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे लिखें, मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2x बराबर है 18 के और 3 बराबर है 1 के, और नीचे इनके आपको डिवाइड दिया हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। सेकंड तरीका कैसे, आप सिंपल 2 से 18 को काटिए, 9 आ गया, ठीक है। अब आपके क्या पास क्या बचा, 3 बाय एक्स इज इक्वल्स 9 बाय 1, तो x इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से आंसर आया 20। 3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x और 1 मल्टीप्लाई, सिंपल इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, 3 9 सा, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप आ गया, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी, जस्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, आंसर आपके पास। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट चल जरूर रहा हूं, लेकिन मत भूलिएगा ये क्लास आप फूलजी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, और आपके वीडियो आपके टैबलेट में
स्लो डाउन करने का भी एक ऑप्शन होता है, आप स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वी इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चों, सिंपल से क्वेश्चंस है, है ना, और सिंपल चीजें अगर आप दूसरों को बताएंगे तो आसानी से समझ, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि जो भी वीडियो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम आपसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको इतना करना है यही वीडियो अपने 5 फ्रेंड्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। और जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अभी 8 नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, 9th नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, 9th, 8th आपको खुद करना है। 9th में है 7x is equals 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th, इज वेरी वेरी इजी, अगेन 7x 16, अब बच्चों ये माइनस 9 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मैंने कहा था कोई भी चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगी प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, ओके, सो दिस इज 7x 16 प्लस 9 हाउ मच, काउंट करिए, ऑफ कोर्स इट इज 25 एंड x इज इक्वल्स 25/7 आंसर। अभी आपस में नहीं एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें ना आपकी गलती ना मेरी गलती, सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर, x 3 plus 1 equals 7/15, ओके, अब बच्चों कुछ बच्चे हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि 3 और 15 को आपस में कट कर दे, लेकिन बेटा थोड़ा सा रुकिएगा यहां पर, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अगर ये सिंगल टर्म होती यहाँ पे ये वन नहीं होता फिर आप कर सकते, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर आप कट कर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 = 7/15, ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाइए, वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए, तो अब एक्स बाय थ्री इक्वल्स यहाँ पे एलसीएम कितना आया 15, 7 - 15, तो x plus 3 is equals minus 8/15, क्लियर, इसको कट कर सकते हो आप क्योंकि बेटा 7 - 15 है, -8 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x is equals minus 8/15, इज वेरी सिंपल। दोबारा देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट को अलग कर लिया, वेरिएबल को अलग कर लिया, तो कॉन्स्टेंट हमारे ये आ गई, 1 इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ओके, इसको हमने सॉल्व करिए कर लिया, एलसीएम ले लिया, 15 को 15 से किया 7 आ गया, 15 आ गया माइनस 8/15, 3 को इससे हमने कट किया, अभी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको, राइट आंसर इज -8/5। तो जेंटलमैन दिस इज एक्सरसाइज 2.1 ऑफ 8th मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सेकंड एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें हम थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे, मतलब टिपिकल लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, टिल देन स्टे कनेक्टेड और ये वीडियोस आगे आप फैलाते रहिए और ऐसे ही स्कूल्स ही प्लेटफॉर्म पर शिक्षा का, इस एजुकेशन का मजा लेते, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।